क्या आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और आपकी रिपोर्ट में पीसीओएम लिखा हुआ आया है और आप परेशान हैं कि पीसीओएम कहीं पीसीओएस या पीसीओडी की तरह गंभीर समस्या तो नहीं, या ये आगे जाके पीसीओएस या पीसीओडी में तो नहीं बदल जाएगा? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। PCOM यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से आप समझ सकते हैं आकार, संरचना, आकृति, और पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारे सिस्ट हमारी ओवरी में। तो PCOM होने के दो क्राइटेरिया हैं जिस पर हम डिसाइड करते हैं कि आपको PCOM की प्रॉब्लम है या नहीं। जो पहला क्राइटेरिया है वो है आपकी ओवरी का साइज़, यानी ओवरी का जो वॉल्यूम है वो 10 ml से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा है कि जो आपकी ओवरी में सिस्ट हैं, फॉलिकल्स हैं, वो 12 से ज़्यादा होंगे और उनका साइज़ 2 से 9 mm तक हो सकता है। तो ये जो दो मॉडर्न क्राइटेरिया हैं, इनको अगर आपकी दोनों ओवरी में ये प्रॉब्लम है तो भी हम PCOM मानेंगे, और सिर्फ एक ओवरी में है तो भी हम PCOM में ही इसे रखेंगे। अब बात करते हैं ये किस कारण से होता है। तो इसका निश्चित कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो वजह बताई जाती हैं वो जेनेटिक हो सकती है, यानी कि आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो तो हो सकती है, या फिर माना जाता है जो आज इन्वायरमेंटल या फिर जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर काफ़ी हद तक आप मानेंगे कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी PCOM की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो PCOM की प्रॉब्लम में आप देखेंगे जो हॉर्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कारण हमारी लाइफ स्टाइल है। तो अगर इसके उपाय की बात करें कि आप PCOM से कैसे बच सकते हैं, तो उपाय में आपको सबसे पहले आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। लाइफ स्टाइल में आपको क्या चेंज करना है? आप जो भी फूड्स ले रहे हैं वो आप कोशिश करें आप घर के भोजन को ज़्यादा प्रीफर करें, बाहर के भोजन को अवॉइड करें। बाहर का भोजन जैसे फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, पैक्ड फूड हो गया, इनको पूरी तरीके से आप अवॉइड करें। अगर पूरी तरीके से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इनकी मात्रा को कम करें। अगर आप हफ्ते में डेली इनका सेवन कर रहे हैं तो इन्हें कम करें, और सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अपने वजन को मेंटेन रखना है, वजन को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि PCOM PCOS होने का एक लक्षण हो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ना हो, आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि वजन बढ़ते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर को हमें घेर लेती हैं, तो आपको वजन मेंटेन रखना है। तीसरा, आज महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं जिसकी वजह से भी उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, ऐसा बहुत सारी स्टडी में भी देखा गया है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप तनाव मुक्त रहें। अब आपको तनाव मुक्त होने के लिए क्या करना है? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप PCOM से बच सकते हैं, PCOM की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा सकते हैं। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि PCOM कोई गंभीर समस्या नहीं है। बहुत सारी फीमेल से क्वेश्चन करती हैं कि PCOM क्या PCOS जैसी एक गंभीर समस्या है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। PCOM सिर्फ एक लक्षण मात्र है जो PCOS के होने का क्राइटेरिया है। PCOS आपको है या नहीं उसका सिर्फ एक लक्षण है, क्योंकि PCOS होने के लिए आपका एंड्रोजन हार्मोन भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ आपको PCOM की प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। क्योंकि PCOS होने के 3 क्राइटेरिया ज़रूर आपको पता होंगे कि आपके जो पीरियड्स हैं वो टाइम से नहीं आएंगे, काफ़ी समय से अनियमित होंगे, आपके सिस्ट होंगे ओवरीज में, साथ ही साथ आपका एंड्रोजन है वो बढ़ा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको हर्सुटिज्म जैसी प्रॉब्लम होंगी, आपके चेहरे पर बाल होंगे, एक्ने होंगे, और बाल आपके पतले होकर गिरेंगे, या एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, एक जगह पे पैच जैसे बाल आपके गिरेंगे। तो ये नहीं कह सकते हैं कि PCOM है तो PCOS होना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक लक्षण है जो कि आजकल बहुत सारी फीमेल्स में देखने को मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपको PCOM को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करके PCOM से मुक्ति पा सकते हैं। तो आशा है आज के वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि PCOD, PCOS और PCOM क्या है। PCOM PCOS के जितना गंभीर नहीं है, यह सिर्फ एक लक्षण है, तो आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। लेकिन अगर आपको PCOM के साथ साथ आपके चेहरे पर बाल आ रहे हैं, आपके पीरियड्स काफ़ी लंबे समय से रुके हुए हैं, अनियमित हैं, टाइम से नहीं आ रहे हैं, और आपके चेहरे पर बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं, स्किन डिस्कलरेशन हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर PCOS डेवलप हो रहा हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। हमारे डॉक्टर से संपर्क करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।